BA MS फाइनल ईयर में विषम जोहर पढ़ाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले बताएंगे कि विषम जोहर का डिफिनीशन, विषम जोहर का भेद और विषम जोहर का आयुर्वेदिक चिकित्सा, विषम जोहर को बताएंगे और मॉडर्न में इसका को रिलेट कैसे करेंगे, इसके बारे में विस्तृत रूप से आज हम लोग पढ़ेंगे। तो बाघ भट्ट ने परिभाषित करते हुए विषम जोहर के बारे में बताया है कि वह ज्वर जिसका प्रारंभ क्रिया, चिकित्सा, काल, स्थिति एवं सन्निपात में वैषम्य हो उसे विषम ज्वर कहते हैं। आचार्य बाघ भट्ट ने विषम ज्वर के बारे में बताया कि वह ज्वर जिसका प्रारंभ क्रिया, चिकित्सा, काल और स्थिति एवं सन्निपात में वैषम्य हो उसे विषम ज्वर कहते हैं। मधु कोषकार ने मुक्तानुबंधित विषम तत्व होना विषम ज्वर का लक्षण बताया है। अब विषम ज्वर का निदान बताया गया है कि ज्वर मुक्ति के बाद मिथ्या आहार और विहार का सेवन करना, स्वभाव से विषम ज्वर उत्पन्न होता है, भूत अभिषेक आवेश जिसको जीवाणु संक्रमण जन्य मान सकते हैं, आगंतुक कारण का संबंध विषम ज्वर में विशेष रूप से होता है, आगंतुक संप्राप्ति में सुश्रुत ने बताया है कि विषम ज्वर में निज दोषों के साथ ही साथ आगंतुक कारणों का भी अनुबंध होता है। ऐसे रोगी जो व्याधि मुक्त एवं कृष रोगी तथा जो अहितकर आहार विहार का सेवन करते हैं उनका थोड़ा सा भी दोष, रस, रक्त आदि दोषियों तथा देश काल प्रकृति में से किसी एक का बल प्राप्त कर किंतु किसी विपक्षी के कारण बलहीन होकर विषम ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इस प्रकार यह विषम ज्वर घटता बढ़ता रहता है। ऐसी स्थिति में कृष रोगी एवं रोग मुक्त व्यक्तियों का वात आदि दोष अपने अपने समय में बलवान होकर पुनः ज्वर को उत्पन्न करता है। पुनः उस दोष का काल बीत जाने पर विपक्षी दोष के बल के कारण वह दुर्बल होने पर ज्वर शांत हो जाता है। महर्षि चरक ने कहा है कि जिस प्रकार जमीन में बोया हुआ बीज उचित समय काल आने के बाद ही अंकुरित होता है, उसी प्रकार धातुओं आश्रित दोष उचित समय आने पर ही प्रकुपित हो करके ज्वर, विषम ज्वर आदि को उत्पन्न करते हैं। अब हम विषम ज्वर का भेद बताते हैं। विषम ज्वर का भेद चरक ने 5 प्रकार का बताया है। पहला है संतत ज्वर, दूसरा है शतक ज्वर और अनुदेशक ज्वर, तीसरा चौथा तृतीयक ज्वर और पांचवा है चतुर्थक ज्वर। ये ज्वर के 5 भेद बताए गए हैं। संतत ज्वर में दोष, रस, धातु आश्रित होता है और सतत ज्वर में दोष, रक्त धातु आश्रित होता है। अनुदेशक ज्वर में दोष, मांस धातु आश्रित होता है। तृतीयक ज्वर में दोष, मेदो धातु आश्रित होता है। चतुर्थक ज्वर में दोष, अस्थि एवं मज्जा धातु आश्रित होता है। सुश्रुत महर्षि सुश्रुत कहते हैं कि दोषों के अधिष्ठान भिन्नता एवं दोषों की गति भिन्नता के आधार पर विषम ज्वर के रोगी को भी भिन्नता होती है। विषम ज्वर के आगमन का काल, विषम ज्वर रात्रि एवं दिन के दोष प्रकोप के 6 कालों, पूर्वान्न, मध्यान्ह, अपराह्न, प्रदोष, अर्धरात्रि और प्रत्युष काल के बलपूर्वक मनुष्य को विषम ज्वर दाह एवं शीत से आक्रांत करते रहते हैं। ये विषम ज्वर के, अब विषम ज्वर के संप्राप्ति घटक बताया गया है कि दोष क्या है। बात प्रधान दोष है, दुष्ट धातुएं हैं, स्रोतो दुष्टि संघ है, अधिष्ठान आमाशय के अधिष्ठान से होता है, स्वभाव मृदु और दारुण होता है, साध्य साध्यता कृत साध्य होता है, अग्नि मंदाग्नि होती है, हाइपो फंक्शनिंग ऑफ अग्नि होता है और स्रोतस में रस्व एवं शोधव स्वेदव स्रोतो। संतत ज्वर क्या है। संतत ज्वर अत्यंत कठिन होता है और शीघ्र ही मृत्युकारक होता है।
दोषोन्मत्तता के आधार पर तीन प्रकार के संतत ज्वर की कल्पना की गई है तथा उसके समय बताए गए हैं। वातोलवन 7 दिन, पीतोलवन 10 दिन और कफोलवन 12 दिन। सभी कुपित दोष सभी धातुओं, मूत्र एवं पुरुष को एक साथ दूषित करते हैं। यह 12 भाव संतत ज्वर के आश्रय होते हैं जो दूषित होकर के ज्वर की उत्पत्ति करते हैं। अब सेकंड जो है सतत ज्वर। सतत ज्वर प्रायः जब दोष रक्त धातु आश्रित होता है तब उत्पन्न होता है और जब दोष के विपरीत काल होता है तो ज्वर का क्षय होता है तथा जब अनुकूल समय होता है तब ज्वर की वृद्धि होती है। संतत ज्वर में दिन रात में 2 बार ज्वर उत्पन्न होता है। अनुदेशक ज्वर, आचार्य ने इसे मांस धातु आश्रित माना है तथा मेदोवाह सिराओं में अवरोध से उत्पन्न होता है। मेदोवाही सिराओं में अवरोध उत्पन्न करने से मेद एवं मांस दोनों विकृत हो जाते हैं, इसलिए चरक के वर्णन क्रम में इसे मेद एवं मांस आश्रित स्वीकार करना चाहिए। इस ज्वर में ज्वर का वेग दिन रात्रि में 1 बार कभी भी आ सकता है, इसका कोई निश्चित समय नहीं है। इसे अनुदेशक ज्वर या क्यूटिशियन फीवर कहते हैं। तृतीयक ज्वर, क्यूटिशियन फीवर, सुश्रुत के अनुसार तृतीयक ज्वर में मेदो धातु आश्रित दोष ज्वर को उत्पन्न करते हैं तथा चरक ने माना है कि अस्थि एवं मज्जा धातु में आश्रित दोष तृतीयक एवं चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इसमें ज्वर जिस दिन आता है उस दिन उसका विसर्ग भी होता है, दूसरे दिन ज्वर का वेग नहीं आता है, पुनः तीसरे दिन 1 दिन बीच देकर ज्वर आता है और उसका विसर्ग भी हो जाता है। चतुर्थक ज्वर में चरक के अनुसार अस्थि एवं मज्जा आश्रित दोष चतुर्थक ज्वर को उत्पन्न करते हैं। इस ज्वर में जिस दिन ज्वर का वेग आता है उस दिन उसका विसर्ग भी हो जाता है, बाद में 2 दिन ज्वर नहीं आता है, पुनः 4थे दिन ज्वर का वेग आता है तथा उसी दिन उसका विसर्ग हो जाता है। यह क्रम इसी प्रकार ज्वर में चलता है। गंभीर धातुओं के आश्रय से उत्पन्न होने वाला यह ज्वर दारुण होता है तथा उपद्रवों से युक्त होता है, इसे चतुर्थक ज्वर कहते हैं। विषम जोड़ों में दोषों की गति, चरक ने विषम जोड़ों में दोषों की गति का वर्णन निम्न प्रकार से बताया है। दोषों की गति 2 दिन या 1 दिन या प्रतिदिन के अंतर से होता है, जैसे 2 दिन के अंतर से चतुर्थक, 1 दिन के अंतर से तृतीयक तथा प्रतिदिन के अंतर से अनुदेशक ज्वर उत्पन्न होता है। ज्वर के लक्षण, माधवकार ने ज्वर के लक्षण बताया है। 1 नंबर बताया है कि रोगी कंठ जून करता हुआ भ्रमण करता है, अनेक प्रकार की चेष्टाओं को करता है, श्वास से पीड़ित होता है, शरीर में वैवर्ण उत्पन्न होता है, अंगों में अति स्वेद होता है, कंपन होता है, बार बार मूर्छा आता है, प्रलाप युक्त रहता है, अचानक शरीर का शीत या उष्ण हो जाना है, क्रोध के साथ ज्वर का वेग आता है, शब्द के साथ पतले मल का भी त्याग करता है। आचार्य माधव ने दाह, स्वेद, भ्रम, तृष्णा, कंप, अतिसार, असंग, वैगंध आदि का समावेश किया है। इन लक्षणों के आधार पर चिकित्सक को समझना चाहिए कि ज्वर मोक्ष का समय उपस्थित हो गया है। ज्वर मुक्ति के लक्षण, ज्वर मुक्त के बाद दुर्बल व्यक्ति यदि व्यायाम अति मैथुन, ज्वर मुक्ति के लक्षण चरक ने बताया कि शरीर में लघुता होती है, रोगी क्लम रहित होता है, रोगी संताप रहित होता है, रोगी को किसी प्रकार की पीड़ा नहीं रहती है, उसका मन जो है निर्मल रहता है, उसकी इंद्रियां निर्मल होती है, उसका मन स्वाभाविक रूप से कार्य करता है। इन लक्षणों से युक्त रोगी को ज्वर मुक्त समझना चाहिए। अब ज्वर के उपद्रव, चरक ने बताया है कि ज्वर के उपद्रव निम्नलिखित हैं। क्या बताया है? श्वास, आचार्य चरक ने ज्वर के उपद्रव के बारे में बताए हैं कि श्वास अधिकतर चलने लगता है, रोगी को मूर्छा आ सकता है, उसके बाद अरुचि होता है, लैक ऑफ ईटिंग
भोजन में अरुचि होता है, रोगी को छह दिन नॉसिएटिंग टेंडेंसी होता है, तृष्णा पेशाब तृष्णा प्यास अधिक लगता है, अतिसार, रोगी को पतला पखाना होता है और कॉन्स्टिपेशन होता है, रोगी को हिक्का हो सकता है, काश, ड्राई एंड इरिटेटिंग कफ हो सकता है और अंगभेद हो सकता है। ज्वर की साध्य साध्यता में बलवान रोगियों में अल्प दोष से उत्पन्न उपद्रव सहित ज्वर साध्य होता है। आयुर्वेद में ज्वर के असाध्य के अनेक लक्षण बताए गए हैं। जो ज्वर अनेक और बलवान कारणों से उत्पन्न होता है उसमें अनेक लक्षण मिलते हैं, जिसमें इंद्रिय नाश के लक्षण मिलते हैं, वह रोगी असाध्य होता है। अब ज्वर की चिकित्सा के बारे में बताया गया है कि ज्वर की नवीन एवं जीर्ण अवस्था के ज्ञान की चिकित्सा, शाम पाचन मान एवं निराम ज्वर की चिकित्सा, दोषोज ज्वर में किए जाने वाले विशिष्ट चिकित्सा उपक्रम, सन्निपातिक ज्वर में चिकित्सा, आगंतुक ज्वर की चिकित्सा, जीर्ण ज्वर की चिकित्सा, विषम ज्वर की चिकित्सा, ज्वर में पथ्यापथ्य का विवेचन जरूरी है, अपुनर्भव चिकित्सा, वृत्तांत चिकित्सा में जरूरी है। अब ज्वर का हम लोग क्या करेंगे कि चिकित्सा हम लोग जानेंगे कि ज्वर का चिकित्सा हम कैसे करते हैं।